हॉस्टल का और आप देख रहे हैं नेक्स्ट प्राइम न्यूज। और नेक्स्ट प्राइम न्यूज में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ शो दबंग खान। दबंग खान में आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान के बारे में। इन्हें सुल्तान कहें, टाइगर कहें या दबंग कहें, जी हाँ सलमान खान के यूं तो कई सारे नाम हैं, लेकिन बात करें सलमान खान के बारे में तो सलमान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री में दबंगई के लिए तो जाने जाते ही हैं, लेकिन कहा जाता है कि सलमान जितनी शिद्दत से दोस्ती निभाते हैं उतनी ही शिद्दत से भाईजान दुश्मनी भी निभाते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए अर्जुन कपूर कई दफा अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि अगर वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं सलमान खान ने कहा था कि वो हीरो बन सकते हैं। सलमान खान ही वो रीजन है जिसकी वजह से वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए। बात करें अर्जुन कपूर और सलमान खान के क्लैशेस के बारे में तो ये क्लैशेस किसी से छिपे नहीं हैं। जी हाँ, दोनों के बीच जो लड़ाई है वो साफ साफ दिखती है। अब चाहे वो सोनम कपूर का रिसेप्शन हो या फिर कोई इवेंट, दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हुए नजर आते हैं। इसके पीछे जो रीजन बताया जाता है वो रीजन है मलाइका अरोड़ा। जी हाँ, कहा जाता है कि अर्जुन और मलाइका के रिलेशन की वजह से सलमान ने अर्जुन से दूरी बनाई और जिसकी वजह से दोनों के बीच नफरत पैदा हो गई। बात करें अब कुछ खबरें ऐसी हैं कि जहां नो एंट्री से सलमान खान ने अपनी फिल्म धमाल, उन्होंने नो एंट्री में धमाल मचाया था, अब खबर है कि यहाँ पर सलमान नो एंट्री में नजर नहीं आएंगे। जी हाँ, यहाँ पर नजर आएंगे अर्जुन कपूर। इनडायरेक्टली सही, अर्जुन कपूर ने सलमान के मुंह से निवाला छीन लिया। अब क्या इन खबरों में सच्चाई है? क्या सलमान खान की जगह अर्जुन कपूर नजर आएंगे या अर्जुन कपूर पहले से ही इसमें कास्ट किए गए थे? आज हम आपको बताएंगे रिपोर्ट के जरिए, तो नजर डाल लीजिए रिपोर्ट पर। लंबे टाइम से बोनी कपूर की फिल्म नो एंट्री की चर्चा। जी हाँ, बोनी कपूर की हिट फिल्म नो एंट्री के सीक्वल बनेगा, इसकी चर्चाएं हो रही थी। वह बता दें कि सलमान खान नो एंट्री में अहम रोल में थे और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे कि सीक्वल में भी सलमान खान रहेंगे, क्योंकि अमूमन सलमान कई सारी अपनी सुपरहिट फिल्मों का सीक्वल कर चुके हैं। तो ऐसे में ये बातें सामने आई थी कि सलमान खान नो एंट्री में काम करेंगे। जी हाँ, नो एंट्री के सीक्वल में सलमान खान फिर एक कॉमेडी भरे अंदाज में नजर आएंगे। लेकिन खबर अब ये सामने आई है कि बोनी सलमान नहीं बल्कि अपने बेटे अर्जुन कपूर को नो एंट्री का सीक्वल बनाने की प्लानिंग में लगे। जी हाँ, सूत्रों की माने तो फिलहाल नो एंट्री के सीक्वल की कहानी लिखी जा रही है और ये एक ऐसी कहानी लिखी जा रही है जिसके लिए नई कास्ट चाहिए। कास्ट के लिए कुछ नामों पर चर्चा भी चल रही है। जी हाँ, जहाँ खबरें हैं कि कास्ट को सलमान खान से जोड़ा जा रहा था पहले, कि सलमान खान जो कि फिल्म नो एंट्री में नजर आने वाले हैं, ऐसा बोनी कपूर ने सलमान खान से कहा भी था। खबरों की माने तो ऐसी बात सामने आई थी कि बोनी कपूर ने सलमान से कहा था नो एंट्री के सीक्वल के लिए, लेकिन सलमान कई दफा उनको टरकाते हुए नजर आए थे। जी हाँ, खबरें ऐसी थी, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए टरका रहे थे क्योंकि उनके बेटे अर्जुन कपूर की वजह से, क्योंकि अर्जुन और सलमान की नहीं बनती। अब ऐसे में बोनी कपूर चाहते हैं कि अर्जुन कपूर उस टीम के ड्राइवर करे बने। जी हाँ, उस टीम को ड्राइव करे अर्जुन कपूर, यानी कि अगर नो एंट्री फिल्म का सीक्वल बनता है तो अर्जुन कपूर इसमें खास रोल में नजर आएंगे। हालांकि अभी फिल्म की शूटिंग में काफी टाइम है, फिलहाल बोनी कपूर अजय देवगन के साथ अपनी एक और फिल्म में बिजी हैं और उसके बाद नो एंट्री के सीक्वल पर काम शुरू करेंगे। अब देखना होगा कि फिल्म की कास्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होती है। क्या सच में अर्जुन कपूर सलमान को रिप्लेस करेंगे? वेल, अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में ही काफी बड़ी खबर है, क्योंकि जहां एक तरफ सलमान और अर्जुन की लड़ाई के बारे में हर किसी को पता है कि आखिरकार सलमान और अर्जुन दोनों की ही नहीं बनती है आपस में। जी हाँ, और लेकिन आपको बता दें कि किस तरह से अर्जुन कपूर अगर नजर आते हैं नो एंट्री में, यानी कि अपने पापा की सीक्वल में फिल्म में, तो वेल देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आखिरकार
कैसे और कौन नजर आता है यहाँ पर। जैसे आपको इस बात की जानकारी दे दें कि अर्जुन और जो सलमान की जो लड़ाई के जो किस्से हैं वो हर जगह सुनने को मिलते हैं, और इस पे विश्वास तब हुआ जब सोनम कपूर के रिसेप्शन में अर्जुन और सलमान एक दूसरे को इग्नोर करते नजर आए। जी हाँ, साफ साफ पता चल रहा था कि जब सोनम के रिसेप्शन में अर्जुन किस तरह से सलमान खान से बचते हुए नजर आए। पहले आपको बता दें कि कहा ये जाता है कि अर्जुन और ये सलमान की जो लड़ाई है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो वजह मानी जा रही है वो मलाइका अरोड़ा है। जी हाँ, ये तो हर किसी को पता है कि मलाइका अरोड़ा अरबाज खान इनका तलाक हो चुका है, और मलाइका और अरबाज के तलाक के बाद फिर भी ये दोनों एक दूसरे से मिलते थे, और तलाक का रीजन जो सामने आया तो उनमें से कई सारे रीजन जो सामने आए उसमें से एक रीजन ये भी सामने आया कि मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान की तलाक की वजह जो है वो कहीं ना कहीं अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर मलाइका को डेट कर रहे हैं और दोनों की डेटिंग की खबरें बहुत तेजी से उड़ी थी कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में। वेल, खबरें तो इस हद तक सामने आई थी कि मलाइका और अर्जुन दोनों एक दूसरे से इस कदर प्यार करते हैं और बेहद प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं इनका जो रिलेशनशिप है वो अरबाज और मलाइका के तलाक की वजह बना। अब ऐसे में मलाइका और अर्जुन का रिश्ता जो कई दफा सामने आ चुका है, जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले मलाइका और अर्जुन को लेकर खबर आई थी कि दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वेल, ऐसे में इन बातों में कितनी सच्चाई है इसका तो पता नहीं, लेकिन सलमान खान और अर्जुन के आपस में बात ना करने की अगर जो वजह बताई जाती है उसके पीछे कहीं ना कहीं सलमान खान की एक्स भाभी मलाइका भी बताई जाती है। वैसे आपको बता दें कि मलाइका और अर्जुन के रिश्ते की वजह से ही ऐसे कई रिश्ते हैं जो बने बिगड़े हैं, जहां एक तरफ मलाइका और अरबाज का रिश्ता टूटा है तो वही दूसरी तरफ अर्जुन कपूर जो कई दफा अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि सलमान खान की वजह से उन्होंने फिल्मी एंट्री, जी हाँ, वो सलमान खान ही थे जिन्होंने उनको फिल्मों में आने के लिए कहा, और उन्होंने सलमान खान की कई दफा कई शोज में अर्जुन कपूर तारीफों के पुल भी बांधते हुए नजर आए हैं। अब ऐसे में अर्जुन और सलमान की लड़ाई, जी हाँ, जिससे हर कोई वाकिफ है कि किस तरह दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हैं और एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते। तो ऐसे में देखना होगा कि अगर फिल्म नो एंट्री को लेकर अगर खबरें आ रही हैं तो ऐसे में इन खबरों में कितनी सच्चाई है और आखिरकार कौन बनता है नो एंट्री का लीड। तो देखा आप सभी ने कि किस तरह अर्जुन कपूर को लेकर ऐसी खबरें हैं कि भाई नो एंट्री में अर्जुन कपूर एंट्री करने वाले हैं और सलमान खान को उन्होंने आउट कर दिया है। वैसे भाईजान की बात करें तो उनकी झोली में जो भाई फिल्मों की कमी है वो कमी बिल्कुल नहीं है। फिल्म उनकी झोली में बैक टू बैक फिल्में गिरती रहती हैं, लाइन लगी है सलमान के पास फिल्मों की। जैसे कि बात करें, शेर खान है, दबंग 3 है, भारत ऑन फ्लोर जल्द ही जाने वाली है, तो ऐसे में सलमान के पास बैक टू बैक कई फिल्में हैं। लेकिन अगर सलमान की फिल्मों की बात करें तो नो एंट्री सलमान की कहीं ना कहीं एक सुपरहिट फिल्म थी। अब ऐसे में अर्जुन कपूर से उनकी जो नफरत है, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो ऐसे में अर्जुन कपूर के हाथ में फिल्म नो एंट्री आना तो सलमान का निशाना तो सच में लग रहा है, स्वादेंगे तो जरूर, क्योंकि भाई सलमान अपने दुश्मनों को छोड़ते तो नहीं है। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया जाए तो याद होगा कि फिल्म संजू, जी हाँ, संजू में जब सलमान खान का रिएक्शन सामने आया था कि किस तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली रणवीर कपूर पर निशाना साधा था। अब रणवीर कपूर पर क्यों निशाना साधा था वो आप सबको अच्छे से पता होगा, क्योंकि वो कटरीना के एक्स रह चुके हैं और सलमान और रणवीर में भी लड़ाई झगड़ा जो सब वाकिफ है इससे। अब ऐसे में क्या वो अर्जुन कपूर को बख्शेंगे, क्या अर्जुन कपूर के हाथ में वो फिल्म आने देंगे या फिर अर्जुन कपूर के हाथ से वो फिल्म छीन ली जाएगी, ऐसी बहुत सी बातें बाकी हैं जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद भाई पता चल ही जाएंगी।
तो ऐसे में बस इंतजार रहेगा कि क्या सलमान खान की इस बार दबंगाई काम आती है या फिर सलमान खान फिल्म नो एंट्री से आउट हो जाते हैं और अर्जुन कपूर की एंट्री हो जाती है इस फिल्म में। तो ये था आज का शो दबंग खान, जिसमें हमने बात की आपके सलमान खान के बारे में और इशकजादे अर्जुन कपूर के बारे में। कल फिर लेकर आऊंगी शो दबंग खान, जिसमें बात करूंगी ढेर सारी चटपटी बातें भाईजान को लेकर। लेकिन फिलहाल के लिए दे दीजिए इजाजत, नमस्कार।